हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करने जा रहे हो, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल, या आप दिल्ली कैंडिडेट हो, तो आप लोग को इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म को। देखिए, कोई भी स्टेप्स को अगर आप मिस करते हो या कुछ भी मिस्टेक करते हो फॉर्म में, तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा और आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। इनकेस अगर कोई भी डाउट्स आता है, अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हो। हम लोग आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से जाके ज्वाइन कर सकते हो, एंड अगर और भी कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक दूसरे को हेल्प करके आप अपना एप्लीकेशन को कम्प्लीट करना, क्योंकि पूरे एक साल बर्बाद होने का डर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, अगर पहली बार चैनल पाए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग के सैम्पल पेपर्स, सिलेबस, सारा चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आप लोग को अपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है कि अप्लीकेशंस को इस तरीके से अप्लाई करना कि कोई भी चीज़ गड़बड़ ना हो। जैसे कि कई बार लास्ट ईयर में हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि फ़ोटो की जगह पे सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, सिग्नेचर की जगह पे फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, एंड जो एड्रेस एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम चाहिए देना होता है वहाँ पे ना सेलेक्ट करके कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक आपको अप्लीकेशन अपना सबमिट करना है। टाइम हमारे पास इनफ है, तो लाइक आराम से हम अप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, ठीक है। आपका सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का जो अप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, आज से लेके 30 सितंबर तक बिना लेट फीस का जाएगा, और उसके बाद से 2000 रुपये लेट फीस लगेगा अक्टूबर 8 तक, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें लेट फीस 2000 लगता है। तो आप अगर आज अप्लाई नहीं करते हो तो कल परसों तक आराम से कर लेना, लेकिन 30 सितंबर से पहले कैसे भी ख़त्म करना है और लेट नहीं होना। अगर आपके दोस्त किसी ने फेल हुए थे, एसेंशियल रिपीट आ गया था, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि, या ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि वो भी अपना अप्लीकेशन टाइमली कंप्लीट कर लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि लाइक मेरा फॉर्म छूट गया, या लेट फीस के साथ वो अप्लाई करते हुए हम लोग देखते हैं उनको, ठीक है। अभी जानते हैं कि क्या स्टेप वाइज प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको cbse.gov.in पे आना है, यहाँ पे मेन वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ से अगर कोई नोटिस वगैरह आपको पढ़नी है तो आपका सीबीएसई प्राइवेट क्लास 10th और क्लास 12th के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस रखा हुआ है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और आप जो है नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको व्यक्तिगत परीक्षार्थी दिखेगा, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप एक नए वेबसाइट पे आ जाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है आप पोर्टल फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंटिन्यू पे तो आप एक नए पोर्टल पे आ जाओगे जहाँ से आपको अप्लीकेशन को सबमिट करना है, ठीक है। अभी अगर फिर से अगर कोई नोटिस मतलब इन्फॉर्मेशन जो पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे 10th या 12th पे क्लिक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप किस कैटेगरी में अप्लाई करते हो उन चीज़ों का खास ध्यान देना है, जैसे कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल या फीमेल या पीडब्ल्यूडी दिल्ली वाले स्टूडेंट्स, उसके बाद से आगे प्रोसीजर्स, ठीक है। इससे पहले कि मैं आप लोग को बताऊं कि आप कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल या फीमेल पीडब्ल्यूडी में कैसे अप्लाई करोगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको अप्लाई करते समय कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर जाके जो कि सिंपली गूगल पर सर्च करोगे डून विनर या doonwinner.in, तो आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सिंपली जो है आपको एक छोटा सा चार्ज पे करना पड़ता है, कहीं पे भी ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप जो है वहाँ पे एक छोटा सा चार्ज पे करोगे, एंड देन वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर एंड आपका नाम एंड आपका ईमेल आईडी चला जाता है हमारे पास। अब फिर हम लोग आपको जो है कॉल करके आपका सारा डाउट्स क्लियरिफाई करते हैं, अगर अप्लीकेशन में सबमिट करने में कुछ हेल्प देना है तो वो हम लोग हेल्प करते हैं, हमारे टीम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप अप्लीकेशन को कैसे प्रोसीड करोगे। अगर आपका 2022 बोर्ड एग्जाम में कंपार्टमेंट आ गया था और अभी तक आपने कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाए हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है और कंपार्टमेंट पे क्लिक करके अंदर जाके आपका सेंटर कोड, स्कूल नंबर और आपका रोल नंबर डालोगे तो आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म खुल जाएगा और वहाँ से कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट जो भी सेकंड कंपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एज अ फेलियर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सको। तो अगर आप केवल कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हो, मतलब केवल एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो, तो कंपार्टमेंट पर क्लिक करना है। और आप चाहते हो कि वापस से सारे सब्जेक्ट में नंबर कम है, वापस से सारे सब्जेक्ट का ही मुझे देना है, तो आप फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करोगे, ठीक है। अब आपको जैसे ही इसमें कंपार्टमेंट पे एक बार जो भी चीज़ें आप अप्लाई करने जा रहे हो कंपार्टमेंट में या फेलियर में, तो ध्यान रखना है कि आप जो है एक बार ही फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, उसके बाद से फॉर्म नहीं सबमिट होगा। तो जो भी चीज़ें आप करोगे ध्यान से करोगे। अगर आप इंप्रूवमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, आप ऑलरेडी पास हो या 6 सब्जेक्ट थे 5 में पास हो और 1 में आपका कंपार्टमेंट आ गया था, तो आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। और चाहो तो 1 सब्जेक्ट जो फेल हुए थे उसमें केवल अप्लाई कर सकते हो, या आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या अगर सारे आपके पास 5 ही सब्जेक्ट थे सब में पास हो गए हो
या 6 सब्जेक्ट थे समय पास हो फिर भी इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, तो आप इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करके एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिखा है तो आपको फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करना है, और फेलियर कैटेगरी में जैसे ही क्लिक करोगे तो अंदर जो डिटेल्स देना है एंड देन आपके जो पहले से सब्जेक्ट्स थे वही पॉपअप हो जाएंगे, सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता और उन सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, आप अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स में मतलब पहले से पास हो गए हो 2021 में या 2022 में तो आप एडिशनल सब्जेक्ट में एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आप फीमेल हैं वो भी दिल्ली से हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास है, या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और दिल्ली से ही हैं तो आप भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ। क्लास टेंथ के लिए आपका जो है एज मेंशन होना चाहिए, लाइक एज 14 से प्लस होना चाहिए, और अगर क्लास ट्वेल्थ में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास टेंथ का मार्कशीट होना चाहिए। अब जैसे ही आप ये किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर लेते हो, जैसे कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट या फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट्स में, जिस भी कैटेगरी में आप प्रेफर कर रहे थे आपने अप्लाई कर लिया, तो उसके बाद से आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। ठीक है, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद से अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करते ही आपको जो है अंदर आपका रोल नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर पूछेगा एंड देन जैसे सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपको साइन भी अपलोड करना है और फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। फोटो और साइन की जो साइज़ है वो 40 KB से मतलब 40 KB से कम का होना चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए, आप किसी भी रिड्यूसर से रिड्यूस करके इमेज की साइज़ को फिर अपलोड कर सकते हो। और अपलोड करने के बाद से ध्यान रखना ये कि फ़ोटो की जगह पे फ़ोटो अपलोड हो रहा है और टिल्ट वगैरह ना हो, और सिग्नेचर की जगह पे सिग्नेचर अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से जैसे वो सबमिट कर लेते हो तो फोटो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद से फ़ी पेमेंट करना है। बिना फ़ी पेमेंट किए अब CBSE आपका कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फ़ी पेमेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी फ़ीस होगी वो आ जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो या सारे सब्जेक्ट से, तो आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी आपका फ़ीस सबमिशन के लिए आ जाएगा डिटेल्स, और आप फ़ीस सबमिट करोगे, फ़ीस सबमिट होते ही आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा फ़ीस सबमिट हो चुका है, आपके पास कोई ईमेल नहीं आता इस ड्यूरेशन में। फिर आप जो है चेक फी स्टेटस पे क्लिक करोगे, अपने डिटेल्स डालोगे तो वहाँ पे सक्सेस लिख के आना चाहिए। अब जब सक्सेस लिख के आ गया तो लास्ट में आपको कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना है कि आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया CBSE डेटाबेस पे। तो जब कन्फर्मेशन पेज पे आप जब क्लिक करते हो तो उसमें आपके डिटेल्स देते हो, एप्लीकेशन नंबर और आपका रोल नंबर, देन उसके बाद से आपका कन्फर्मेशन पेज आ जाता है और उसमें आपका एड्रेस जो आपने दिया था जहाँ पे आपका अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका बोर्ड का रिजल्ट जो है उसी जगह पे सेव होता है, तो आप एड्रेस तो अच्छा ही वाला देना जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। और उसके बाद से आपका ईमेल जो दिया था, आपका फ़ोन नंबर दिया था, वो भी वहाँ पे मेंशन हो जाता है, और एक साथ साथ जो है आपकी फ़ोटोग्राफ और साइन वहाँ पे अच्छे से दिखाई पड़ता है जिस तरीके से आपने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली आपका कन्फर्मेशन पेज जैसे मिल जाता है तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद से आपको अपनी बस पढ़ाई करनी है, आगे कोई भी अलग प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, कोशिश करूँगा अगर किसी स्टूडेंट्स का टीम ने अप्लाई किया तो लाइक अगर हमें कंसेंट मिलता है कि लाइव हम किसी का फॉर्म फिल करके दिखाएं आपको, तो हम किसी स्टूडेंट से अगर कंसेंट मिलेगा तो हम आपको फिल करके दिखा देंगे। ठीक है, होपिंग डैट कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। थैंक यू सो मच।